भाई देखो, अभी भी लगातार मौसम ख़राब है। दिन के 1 बज चुके हैं, लगातार बारिश है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि ऊपर ऊपर जो पहाड़ियां हैं, ऊपर ऊपर चोटियों में फिर से बर्फ़बारी हो रही है। भाई लकड़ियां गीली होने से ना बहुत मुश्किल से जलती है, छोटे छोटे जलाने पड़ती हैं पहले, फिर देखो। ये देखो भाई, आज ही मेरे बिस्तर में सो रखे हैं। क्या हुआ भाई, सो जा सो जा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। और सुबह का आज मौसम फिर से बारिश हो गई है, फिर से मौसम ख़राब है। इस वीक शायद मौसम ख़राब ही रहेगा, जिससे कि ठंड इतनी बढ़ गई है। अभी सीधा मैं 10:30 बजे उठा हूँ, मतलब उठ तो पहले ही गया था, बट बिस्तर से फिर से उठा हूँ इतने लेट में, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा। ब्योंडार गांव तक पड़ेगी और जंगल चट्टी तक पड़ेगी, लेकिन यहाँ तक थोड़ा मुश्किल है, कह नहीं सकते भाई। उस दिन पड़ी थी तो आज भी पड़ सकती है। और भाई इस बारिश में मम्मी अभी लकड़ी को गई हुई थी जंगल पे, क्योंकि शादी होने वाली है 1-2 दिनों में यहाँ पे संतोषी की। तो भाई बारिश भी हो रही है, ऐसे में ठंडा भी होगा, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत तो हो सकती है। शादी में ऐसा नहीं होना चाहिए बारिश में। तो वही है, लकड़ियाँ सब महिलाएं लाती हैं, थोड़े थोड़े जो शादियों में यूज़ होते हैं खाना बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो मम्मी तो ले आई, बाकी फ़िलहाल आग जला रही है, मम्मी को लग गया ठंडा। बरसात के टाइम पे ना भाई देखो, बाहर बारिश पड़ रही हो और सामने हो चूल्हा और उसके साथ हम नाश्ता करें तो बढ़िया मज़ा आता है। खैर, न्यूटी की सब्ज़ी बनाई हुई है मम्मी ने, और साथ में खाएंगे रोटी और साथ में चाय। चाय तो भाई मतलब बहुत ज़रूरी हो गया ठंडियों में। सुबह से मैं 3rd टाइम पीऊँगा अभी, एक बार बिस्तर में, एक बार खुद उठ करके, एक बार अभी नाश्ते के साथ, बहुत ज़रूरी होता है। मिस्सू और चुन्नू यहाँ पे बैठे थे, आग बुझ चुकी थी, तो मेरे बिस्तर में अभी तक सोए होंगे, मेरे बिस्तर ही में सोए होंगे अभी तक। तो देखो मिस्सू आ गए भाई बिस्तर से, जैसे आवाज़ सुना होगा मम्मी आ गई, यहाँ पे आ जाएगा चूल्हे के पास, है ना मिस्सू, है ना। वो देखो वो भी आ गया, ले ले, आ गए तुम दोनों सो करके। नींद पूरी हुई हुई नींद पूरी। भाई जब बारिश होती है ना, तो चिड़िया बहुत अलग अलग वैरायटीज के प्रकारों की चिड़िया दिखती ही रहती है। भाई देखो, अभी भी लगातार मौसम ख़राब है, दिन के 1 बज चुके हैं, लगातार बारिश है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि ऊपर ऊपर जो पहाड़ियां हैं, ऊपर ऊपर चोटियों में फिर से बर्फ़बारी हो रही है। यहाँ पे तो अभी नहीं है, बट होने की संभावना है, जब अच्छे से बारिश आए, ठंडा टेम्परेचर हो जाए तभी। आज का सारा दिन ऐसे ही बीतने वाला है, चूल्हे पे आग के सामने खाना खाओ सो जाओ बस यही, क्योंकि बारिश में इधर उधर टहलना भी मतलब बेकार ही है, कहाँ जाए घूमने के लिए तो यही समझ नहीं आता। ठंडा है मेन, बारिश होती तब भी घूमने का दिल करता है छाता लेकर, ठंड में मन नहीं करता। बर्फ़ होती तो तब भी दिल करता है घूमने चले जाओ इधर उधर नज़ारे देखने के लिए, पर बारिश में उतना मज़ा नहीं आता है। बाकी एक ही लकड़ी जल रही है भाई, सुबह से इतनी लकड़ियाँ जलाई थी, एक ही जल रही है। इतना क्यों सोते हो, ये देखो, ये देखो पूरा इनके ऊपर छारुणू चले गया भाई, पूरा ये छारुणू चले गया इनके ऊपर। ये देखो भाई, इसको इतना ठंडा लग रहा है, ये तो गोद से उतर ही नहीं रहा, सो रखा चुपचाप। आज तो भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे ही सुबह से हो रही है लगातार, और दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं, और अभी खाना खाने की तैयारी करते हैं। ये बेचारे भी देखो ठंडे से क्या करें, चूल्हे से चिपके हुए हैं, ईंटें गर्म होती है तो इनको यहीं पे अच्छा लगता है बैठे बैठे। तो आज मम्मी ने कढ़ी बना रखी है भाई, कढ़ी देखो, वाह। आज कढ़ी खाएंगे इस ठंडे में, वाह भाई वाह, बहुत दिनों बाद। भाई शाम के हो चुके हैं 5:30, लेकिन अभी भी लगातार बारिश है, और देखिए लगातार बारिश है, लेकिन बर्फ़ नहीं पड़ रही जिस हिसाब से बारिश लगातार है, सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखिए चोटियों में चारों तरफ, और सामने भी ब्यूंडार गांव तक पड़ी होगी, लेकिन कोहरे की धुंध की वजह से अभी दिख नहीं पा रहा है देखो, बट नज़ारा काफ़ी खूबसूरत हो गया है अभी बारिश पड़ने से। आज ये मेरे बिस्तर में सो रखे हैं। मिशु क्या हुआ, सो जा सो जा। एक ये सो रखा है यहाँ पे। क्या हुआ भाई, सो जा सो जा सो जा सो जा।
सो जा सो जा। आज चूल्हे में चल रही है भाई, चौथी बार आग जल रही है, मतलब बिना आग के रहना असंभव सा हो गया यहाँ पे। मिशु लोग भी इंसानों की तरह है भाई, उठेंगे जैसे हम उठते हैं, सोएंगे जैसे हम सोते हैं, और खाएंगे जैसे हम खाते हैं ना मिशु। देखो अभी चूल्हे पे आ गए वो, तभी बनेगी चाय गर्मा गर्म। आ जाओ दोनों अंदर आ जाओ, ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे। आ चलो भाई, आज तो चाय पीनी है गर्मा गर्म। आ जाओ जी, बैठो अंदर। भाई लकड़ियाँ गीली होने से ना बहुत मुश्किल से जलती है, छोटे छोटे जलाने पड़ती हैं पहले, फिर देखो कितना धुआं छोड़ते हैं। गीली लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, फिर तो बैठने का भी मन नहीं करता भाई धुएं के पास। भाई पहाड़ों में ना बर्फबारी के बाद चाय पीने का अलग मजा है, चूल्हे के पास बैठने में। एक टाइम तो ऐसे था जब मैं देहरादून में रहता था, तो मतलब ऑलमोस्ट चाय मैं पीता ही नहीं था, छूट गई थी गर्मी की वजह से भी, चाय छोड़ ही दी थी। फिर पहाड़ों में फिर से हैबिट लग गई चाय पीने की। चाय तो मतलब ऐसा है कि हर दिन पीना ही पीना है। थोड़ी सी हल्की सी बारिश रुकी हुई है, बाकी तो रुकी हुई क्या ही बोले। चोटियां देखे चारों तरफ बादलों से ढकी हुई है, कवर हो रखी है, बर्फ है, बारिश है, और ठंडा भी बहुत ज्यादा है। देखे सामने पड़ी है बर्फ, और ऐसे टाइम पे ना ऊपर पहाड़ियों से ना पत्थर गिरने का बहुत डर रहता है। और पहले ज़माने में ना यहाँ यहाँ तक ये जो ये पत्थर गिरे हुए हैं, ये पत्थर गिरे हुए हैं, जो थोड़ा बड़े बड़े पत्थर हैं ना, जो इधर इधर ये पत्थर, ये सारे पहाड़ियों से गिरे हैं एक समय में। जो हमारी फिसलन पट्टी इतना बड़े चट्टान था, वो भी ऊपर से गिरा हो, तो बहुत सारे पत्थर है जो गिरे हुए हैं। हमने बचपन से ही खुद के आंखों से देखा वहाँ तक। पहले वहाँ पे स्कूल हुआ करती थी, जहाँ पे वो चबूतरा है ना, वहाँ पे स्कूल हुआ करती थी। तो स्कूल की जो छत है पूरी मतलब छेद हो गया था उस पर, इतना बड़ा चट्टान जब गिरा था। और उस टाइम इंटरवल चल रहा था बच्चों का, मतलब इंटर कॉलेज था, 10वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, बाकी इधर पढ़ते थे। तो इंटरवल था, तो इंटरवल में क्या होता है ना, बच्चों की इंटरवल होती, तो यहाँ पे घूमने आ जाते हैं सब बच्चे, मतलब खाना वगैरह खाने के लिए इंटरवल में। तो उस टाइम पे इतना बड़ा पत्थर गिरा था भाई, अच्छा हुआ कोई नहीं था, नहीं तो बहुत खतरनाक ट्रेजिडी हो जाती। तो भाई यहाँ पे ना पहाड़ों में आप ये समझिए कि कहीं भी सेफ जगह नहीं है, ना ऊपर ना नीचे। नीचे नदी का खतरा, ऊपर पत्थर का खतरा, और भूकंप, आप सोचिए भूकंप आ गया गलती से तगड़ा वाला, तो फिर तो पूरा ही हिल जाएगा भाई। तो भाई मैंने सुना कि जो अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट में, कहीं कहीं पूरे स्टेट में नहीं, कहीं कहीं शहरों में जो है इंटरनेट जो है बंद किया हुआ था, मतलब कहीं कहीं तो 15 15 दिनों तक। तो मैं ये सोच रहा यार, एक दिन भी विदाउट इंटरनेट जीना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता। 15 दिन तो मतलब बहुत बड़ी बात है। और जो इसमें शामिल है फार्मर वगैरह जो भी हैं, उनकी जो भी मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो भी उनका प्रोटेस्ट जिस चीज़ पे चल रहा है, उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि दूसरी बार हो रहा है प्रोटेस्ट। मेरे को उतनी जानकारी नहीं है किस बेस पे है जो भी है, बट मतलब जो बेस्ट हो, जो उनके लिए बेस्ट हो फार्मर के लिए, वही होना चाहिए भाई। क्योंकि उन्हीं की वजह से हम जो भी खा रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जो भी है वट एवर कुछ भी है, तो उन्हीं की वजह से है, तो उनकी भी तो मांगे पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। बट उसमें सबका फ़ायदा होना चाहिए, जो लो लेवल है और हाई लेवल किसान है, सबका फ़ायदा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक अलग ही पर्टिकुलर एक जोन में जो फार्मर्स हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, लो वालों का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं। सबका फ़ायदा होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो भी हो अच्छा होना चाहिए। बट विदाउट इंटरनेट मैं सोच रहा था यार, 15 15 दिन कहीं नहीं था, हरियाणा में कहीं कहीं जैसे कमेंट्स आ रहे थे ना, तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा 15 दिन तो पूरा आधा महीना होता है, क्योंकि इंटरनेट के बिना और चीज़ें भी होती है, काम की चीज़ें भी होती हैं भाई, कुछ ऑनलाइन वर्क्स हो गए, वर्क फ्रॉम हो गए, बहुत चीज़ें हैं। तो ऐसे में नेट ना चलना मतलब थोड़ा मतलब अच्छी बात नहीं है। लगभग 7:30 बज गए, और आजकल गांव में डिनर विंटर्स टाइम पे 7:30 8 8:30 बजे तक हो रहा है आजकल डिनर हमारा। बाकी जो गर्मियों में तो होता ही है, 9 9:30 बजे तक डिनर हो जाता है। तो
तो कुछ ऐसा है। बाकी यार अभी फिलहाल लाइट तो है, नेटवर्क भी है, और कभी भी जा सकते हैं। जब बारिश बर्फ़ पड़ती है ना तो नेटवर्क लाइट गुल हो जाती है पहाड़ों में, क्योंकि कहीं लैंडस्लाइड होगी तो तार टूट जाते हैं, क्योंकि पोल पहाड़ों में जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी टावर वगैरह रहते हैं वो ऐसे जोन पर रहते हैं ना भाई, पहाड़ ऐसे खिसक गया तो पूरा चला गया, तो उसको ठीक करने में ही आधा से ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसीलिए फिलहाल ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।